नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीताज बालकनी गार्डन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गेंदे का इम्पेशेंस का प्लांट और ये है जीनिया। ये तीनों की रिपोर्टिंग मैंने अभी अभी की है, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, और तो फिर मैं अभी एक प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी आपके साथ, उसको भी शेयर करूँगी। कुंद का प्लांट है ये, देखिए। सबसे पहले तो मैंने इसकी मिट्टी तैयार की है। मिट्टी मेरे पास पुरानी थी, पुरानी पड़ी हुई मिट्टी एक गमले में पड़ी हुई थी, तो इसमें एक हिस्सा रेत का है, एक हिस्सा खाद कंपोस्ट है और एक हिस्सा गार्डन सॉइल है। अब पुरानी मिट्टी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा, उसके लिए पहले तो हम इसको सुखा लेंगे अच्छे से। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमने सुखा नहीं पाए हैं अगर उस मिट्टी को, तो इसमें हम एक चम्मच ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिक एसिड, तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर, ये ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, डालकर मिट्टी को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होता है, ये दोनों चीज़ें डालने से ये भी एक तरह का फंगस होता है, तो ये पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, और जब हम इस मिट्टी में प्लांट को लगाएंगे तो वो जड़ों के चारों तरफ एक अच्छा गुड फंगस जो होता है वो चारों तरफ, जड़ों के चारों तरफ लग जाएगा, जिससे क्या होगा, वो बुरे फंगस को अटैक नहीं करने देगा इसकी जड़ों पर या फिर कहीं भी। तो इसलिए हमें ये मिट्टी में मिला लेते हैं हम। अभी देखिए, ये जो मेरा कुंद का पौधा है रूट बाउंड हो गया है, अभी हम निकाल के देखेंगे, मैं आपको शो करूँगी। अभी इसमें हम मिट्टी डाल लेंगे, चेक कर लेंगे कितनी हमें कितनी भरनी है इस गमले में। गमले को एक बार इसके अंदर रख कर चेक करेंगे। देखिए मिट्टी में डाल रही हूँ, कितनी अच्छी मिट्टी है ये, बहुत भुरभुरी मिट्टी है। ये देखिए, इसमें आराम से प्लांट मेरा आराम से निकल नहीं रहा था, तो ये चारों तरफ से देखिए ऐसे हम इसको हल्के हल्के हाथ से मारना है, ऐसे ज़्यादा तेज नहीं मारना है, हल्के हाथ से। अब ये, अब हमें इसे उल्टा करके एक बार पीछे से भी दो चार बार हम मारेंगे, तो वो क्या है, गमला मिट्टी जो है वो गमले को छोड़ देगी। देखिएगा आराम से निकल जाएगा, ये देखिए अभी नहीं निकल रहा है, तो वापस हम हल्के हाथ से ही हमें चारों तरफ से टक टक करना है एक बार फर्श पे, या फिर उल्टा करके कोई भारी गमला आसपास हो तो उसके से मार के फटाफट निकल जाता है। ये देखिए जड़ें पूरी नीचे तक फैली हुई हैं, तो हमें इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है बहुत, इस मिट्टी में प्लांट की जड़ें अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो हमें जितना मिट्टी हो सके उतनी हम निकाल देंगे, जितनी आसानी से निकल जाए, किनारे किनारे से निकाल देंगे, ऊपर की नीचे की, देखिए नीचे की निकाल देते हैं, थोड़ी सूख गई है मिट्टी है, पर हमें जितना आराम से निकलती है मिट्टी सिर्फ उतनी ही निकालनी है। ज़बरदस्ती जड़ों, खास ध्यान रखेंगे कि जड़ें ना टूटें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की टूट जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसकी जड़ें ना टूटें। ये देखिए ये थैली का टुकड़ा है, इसीलिए हमें एक बार नर्सरी से अगर हम पौधे लाते हैं तो हमें चेक करके मिट्टी को थोड़ा हटाकर और फिर हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए, नई मिट्टी में डालना चाहिए, उससे पौधे अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। ये सारी मिट्टी निकाल देंगे हम, जितनी आधे से ज़्यादा मिट्टी निकाल सकते हैं हम, उससे ज़्यादा हमें 40% मिट्टी हमें छोड़नी पड़ेगी, वरना प्लांट शॉक में जा सकता है। ये देखिए रख के देखते हैं, थोड़ी मिट्टी की और ज़रूरत है, और डाल देंगे हम थोड़ी सी। कुंद का ये प्लांट मेरा कुंद का है, इस ये साल भर फूल देता है, इसमें सर्दियों में अच्छे फूल आते हैं, बारिश में भी बहुत फूल आते हैं, गर्मियों में थोड़े बहुत फूल कम हो जाते हैं बीच में, एक आध, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एक आध महीने के लिए, लेकिन फिर उसमें वापस से कलियाँ आने लगती है और अच्छे खासे फूल आते हैं। ये देखिए, ये मैंने
इसमें वो डाला है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसमें आप एक तो बोन मील डाल सकते हैं, जिससे रूट फॉस्फोरस डालते हैं। मैंने तो ये केले के छिलके को सुखा के रखा था, उसका पाउडर डाला है। आप बोन मील भी डाल सकते हैं, एक चम्मच बोन मील में फॉस्फोरस अच्छा होता है, जो जड़ों के लिए, जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप वो डालकर, और एप्सम सॉल्ट हमने इसलिए डाला है कि जड़ें खुल गई हैं पूरी तो वो शॉक में नहीं जाएगा, प्लांट शॉक में जाने से रोकता है। ये केमिकल होता है एप्सम सॉल्ट, लेकिन हम थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये पौधों की रिपॉटिंग के टाइम पर अगर हमसे जड़ें टूट जाती हैं तब यूज़ किया जाता है। अब हम चारों तरफ से मिट्टी डालकर ऊपर तक डाल देंगे, चारों तरफ से अच्छे से। जितने भी इसमें पुराने सूखी डंडियां हों नीचे से, उसको हम काट कर अलग कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है। ये पौधा भी बहुत हेल्दी है। इस पौधे को बड़े गमले की ज़रूरत थी। अगर हम टाइम पर अगर नहीं रिपोर्ट करते हैं तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है। ये देखिए अब सारी मिट्टियाँ हो गई, पूरी भर गया है गमला। अब देखिए इसमें जितनी भी सूखी हुई डेड ब्रांचेस हैं उनको कट करके अलग कर देंगे, और जो भी पत्तियाँ होंगी ख़राब उन्हें हटा देंगे। रीपॉटिंग के टाइम हम ये सब कर देते हैं तो अच्छा रहता है प्लांट के लिए भी। इस प्लांट को हमको अभी, हमने पूरी जड़ें खोल दी थी, इसकी आधी जड़ें खुल चुकी थी, इसलिए हमें इसे अच्छे से छाया में 3-4 दिन के लिए रखना है। जब न्यू ग्रोथ दिखेगी तब हमें इसे धूप में रखना है, धीरे धीरे 2-3 घंटे की फिर हम पूरी धूप में रख सकते हैं। ये देखिए वाटरिंग कर दी हमने सारे प्लांट्स में, अच्छे से वाटरिंग कर दी। बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।